हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप बताएंगे कि आप अपने पैन कार्ड में किसी भी टाइप का करेक्शन जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, इन सभी टाइप के करेक्शन आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम अपने YouTube चैनल में वही वीडियो अपलोड करते हैं जो कि प्रैक्टिकल में सक्सेसफुली होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है NSDL पैन कार्ड। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एप्लीकेशन टाइप में सिलेक्ट करना होगा थर्ड वाले को, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। कैटेगरी में हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें टाइटल में श्री, श्रीमती, कुमारी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, जो भी इंफॉर्मेशन अब हम फिल करेंगे, हम वही इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जो कि हमें अब करेक्शन करनी है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, लास्ट नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या भारत के नागरिक हैं, अगर हैं तो यस में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पैन नंबर आपको डाल देना, इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड हमें फिल करना है जो ऊपर बॉक्स में दे रखा हुआ है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको टोकन नंबर मिलेगा, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को इसमें सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि हम आपको डिजिटल करके दिखाने वाले हैं। अब हमको आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल्स इसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट फिल करने हैं। इसके बाद आई हेयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ अवेलेबल इन आधार कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसको यस को। इसका मतलब ये है, आई हेयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी फोटो मेरे आधार कार्ड में है वही फोटो मेरे पैन कार्ड में प्रिंट होके आ जाए, यस में सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमको बॉक्स में टिक करना है अपना टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हमको इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लेनी है, अपने फादर का नेम चेक कर लेना है। इसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला बॉक्स है इसमें टिक कर देंगे। इसके बाद हमें जेंडर में टिक करना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी हों आप। इसके बाद अब हमें थर्ड वाले बॉक्स में टिक करना है, डिटेल्स ऑफ पेरेंट। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने मदर का नेम नहीं लिखना है क्योंकि ऑप्शनल है। आपको अपने फादर का लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना होगा। इसके बाद आपको मिडल नेम लिखना होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आपको अगर कोई शादीशुदा औरत है, मैरिड वुमेन है, तो उसको भी अपने पैन कार्ड में अपने फादर का नेम लिखना है, ना कि अपने हस्बैंड का। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट में क्लिक करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपने जो फिल किया है, वो सेव्ड हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज लिख के आ चुका है, योर डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हमें नीचे की ओर आना है। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स इस वाले बॉक्स में टिक करना है कि भैया हमने अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सही दिया है। इसके बाद आपको कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया 91 सेलेक्ट करना है। इसके बाद एरिया या स्टडी कोड आपको कुछ नहीं फिल करना है। इतना करने के बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ पैन अर्थात पैन कार्ड का आपको प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है कॉपी ऑफ पैन कार्ड। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी होगी, आईवी। इसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है हिमसेल्फ, हरसेल्फ को। इसके बाद आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप चेंजेस या करेक्शन के लिए देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 फिल करना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आपको प्लेस में अपने सिटी या फिर विलेज का नेम फिल करना होगा। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको अपने आधार नंबर के शुरुआत के 8 डिजिट फिल करने होंगे।
ये जो यहाँ पे लिख रखा हुआ है इंटर आधार फर्स्ट 8 digits, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड में क्लिक करेंगे, कोई मिस्टेक है तो एडिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको 106.90 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप पेटीएम या फिर बिल डेस्क से जिससे पेमेंट करना चाहें उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बॉक्स में टिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। इसके बाद पे कन्फर्म में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट नेट बैंकिंग या फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, वैलेट्स या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। जिससे करना हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेबिट कार्ड अर्थात एटीएम कार्ड से करने वाला हूँ। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, अपना नाम। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर 106.90 रुपीज को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का स्टेटस जो है देख सकते हैं। लिख रखा हुआ है, कोड दे रखा हुआ है सक्सेस। इसका मतलब है हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। पे आधार ऑथेंटिकेशन करना है, इस वजह से बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट में क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, आपको ओटीपी को इंटर करना होगा। इसके बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको कंटिन्यू विद ई साइन में क्लिक करना है। अब हमें ई केवाईसी करानी होगी। इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद हमको अपना वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको ओटीपी डालना है। इसके बाद ओटीपी वेरीफाई में क्लिक करेंगे। जो हमारा काम था वो हो गया कंप्लीट। अब हमको इस पीडीएफ को हमें डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि अगर आपने ई केवाईसी या ई साइन के माध्यम से जो भी मैंने स्टेप बताए हैं अप्लाई किया है तो अब आपको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट को भेजने की जरूरत नहीं है। आपके एड्रेस में आपका पैन कार्ड बन के 7 से 15 दिनों के बीच में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इस पीडीएफ को ओपन कैसे करना है, डेट ऑफ बर्थ जो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ओके में क्लिक करेंगे, आपका जो पीडीएफ होगा ओपन हो जाएगा। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन किया है तो जो भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन किया है वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ना कि पुरानी वाली। इसके बाद जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है ये वही बंदा कर सकता है जिसके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा। जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।